हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, आपसे मिलने के लिए आपकी प्यारी जिनी फिर हाजिर है। अरे वो देखो जसलीन, टूटा हुआ तारा। नहीं जिनी, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही आसमान में हर चमकने वाली चीज सितारा नहीं होती। असल में जो तुम ये चमकती हुई चीज देख रही हो ना, वो है स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री? हाँ जिनी। फ्रेंड्स, आप सब तो ये जानते ही होंगे कि अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हवा, पानी और मिट्टी को पोल्यूटेड करने के बाद इंसान बहुत दूर होराइजन तक पहुंचकर यूनिवर्स को भी पोल्यूटेड कर रहे हैं, और स्पेस डेब्रीज हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। तो आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे हमने काफी सालों से नजरअंदाज किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ये जानना है कि ये स्पेस डेब्रीज क्या है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये स्पेस डेब्रीज होते क्या हैं। स्पेस डेब्रीज का मतलब इंसानों के बनाए हुए या बेकार चीजों का ऐसा कलेक्शन जो अर्थ के ऑर्बिट में इधर उधर जाता रहता है, जैसे टूटे सैटेलाइट्स, खाली रॉकेट्स, मेटल्स के टुकड़े, मीटोराइट्स, कॉमेट्स और बहुत कुछ। तो मतलब ये सब चीजें एक हिसाब से स्पेस का कबाड़ ही हुआ ना? हाँ जीनी, और ये बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, पर ये कबाड़ आया कहाँ से और ये इतने बड़े यूनिवर्स में कैसे आया? यही तो बताने जा रही हूँ जीनी। देखो, ये तो दुख की बात है कि आसमान में जमा होने वाले नेचुरल डेब्रीज पर हमारा किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है, पर हम इंसान के बनाए हुए मलबे मतलब डेब्रीज के लिए जरूर कुछ कर सकते हैं। जो पहले मैनमेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बचने के बाद से इमर्स कर रहा है। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो जिनी। ये जो यूनिवर्स में कबाड़ जमा हुआ है, इसमें क्या चीजें होती हैं? मतलब किस तरह का कबाड़? गुड क्वेश्चन जिनी। इस कबाड़ में शामिल है रॉकेट्स, जो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में गिराते हैं, और खुद सैटेलाइट्स भी जब वो खत्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में कोई मिशन लेकर जाता है, तो ऐसे में वो भी कभी कभी स्पेस में ही टूल्स और डिवाइसेस छोड़ जाते हैं, जैसे नट्स एंड बोल्ट्स, कूड़े के बैग्स, लेंस कैप्स, स्क्रू ड्राइवर्स और यहाँ तक के स्पैटुला भी। तो फिर इससे क्या होता है? इससे जो कबाड़ है वो दूसरे तैरते स्पेस ऑब्जेक्ट से टकराते हैं। जैसे कोई सैटेलाइट किसी और स्पेसक्राफ्ट से टकराता है तो वो बहुत छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इससे तो स्पेस का कबाड़ और भी बढ़ जाएगा ना? हाँ जीनी, पर पता है जीनी, स्पेस डेब्रीज तब तक हार्मफुल नहीं है जब तक वो स्पेस में ऑर्बिट कर रही किसी और चीज से नहीं टकरा जाता। और फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ऐसे डिवाइसेस को डेवलप करने में लगे हुए हैं जिससे अनयूज्ड हिस्सों को स्पेस में ही जलाने में हेल्प हो सके, या फिर बचे हुए पार्ट को वापस लाकर दोबारा यूज किया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको टाइमलेस का आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। हमें इसके बारे में जरूर लिखिएगा, उसके लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। मैं और जिनी नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।